हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अमरावती ज़िले में हमने बारी बारी में 3 सांप रेस्क्यू किए। अब उसको पर्यावरण में हम रिलीज करवाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कोबरा स्नेक है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक कोबरा स्नेक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक कोबरा स्नेक है। इसे मराठी में नाग और अंग्रेजी में कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको। 3-4 फुट 4 फीट हो सकता है। देखिए देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। देखो, अब इसको मैं कुछ ही देर में पर्यावरण में रिलीज करवाना हूँ, करा रहा हूँ। देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब इसको छोड़ दिया है। अब मैंने इसको छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, अब ये दूसरा जो स्नेक है, ये मेरे एक फ्रेंड है, ये मेरे फ्रेंड है धीरन जी निरगुड़े। अब आप इस ये सांप के बारे में आप इसको जानकारी दे सकते हैं। ये डुरकिया घुनिद जाति का स्नेक है। ये बिन विषारी सांप है। इसको अंग्रेजी में सैंड बोहा कहा जाता है। इसको अजगर का बच्चा भी कहा जाता है। अब हम इसको रिलीज करवाने वाले पर्यावरण में। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारे पास तीसरा जो स्नेक है, ये भारत का सबसे छोटा सांप है। ये मेरे दोस्त सर्प मित्र अक्षय इंगड़े। देखिए दोस्तों, ये वाड़ा स्नेक है। ये भारत का सबसे छोटा सांप है और ये 10 से 15 सेंटीमीटर बढ़ता है। और कुछ ही देर में हम इसको पर्यावरण में रिलीज करवाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा सांप है और ये बिनविषारी है। इसको अंग्रेजी में रोम स्नेक ऐसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम इसको पर्यावरण में रिलीज करवाने वाले हैं। देखो, आपको आपका अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल है आतिश भीम के स्नेक प्रिंट नाम से, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।